से पकड़नी है। ये है देवर जी लगते रिश्ते में और इनका नाम है राहुल। तो मैं इनसे पूछा चाहूंगी टोपी आपने क्यों पहनी है। ये गढ़वाल की मेन फेमस टोपी है ये। अच्छा पहले के दादा है ना परदादा वो पहनते थे, तो आपने क्यों पहनी है इस जमाने में तो कोई पहनता नहीं है। शौक के लिए बस। शौक के लिए ताकि धूप ना लगे और शौक भी पूरा हो जाए। पुरानी संस्कृति दिखाना चाहते हो आप। बिल्कुल हमारे पूर्वजों की निशानी कायम रहे इसलिए पहन रखी। पर इन पे जच भी रही है अच्छे भी लग रहे हैं। कैसे हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज यहाँ का व्यू देख के आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे मनरेगा का काम चल रहा है और ये काम हर घर में एक सदस्य करता है, लेकिन इस बार प्रवासी जो आप लोग समझ सकते हैं कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। तो उनमें से जो हमारे गांव में प्रवासी घर आए हैं उनमें से एक एक लोग वो जाएंगे और एक एक जिनका जॉब कार्ड बना है जो सदस्य जाते हैं वो यहाँ पर आए। तो आज मैं भी आई हूँ यहाँ पर और दिखाते हैं आपको हमारे गाँव में कैसे करते हैं काम। और यहाँ पे सभी लेडीज़ भी हैं जेंट्स भी हैं और गर्ल्स भी हैं सभी हैं यहाँ पे और सब यहाँ पे मिलजुल के काम करते हैं और किस तरीके से करते हैं ये आपको दिखेगा मेरी वीडियो में। और वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि आपको वीडियो कैसी लगी और यहाँ के गाँव के पहाड़ी लोग कैसे हैं कैसे मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो दुपट्टा है ये आप देख सकते हैं इससे मुझे अपना फेस कवर करना है क्योंकि यहाँ पे धूप भी हो रही है और धूल मिट्टी का काम भी है तो फिर डस्ट भी होती है तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मुझे अपना फेस कवर करना है और फेस कवर कैसे करूँगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से फेस कवर कर लेंगे अपना। तो और अब काम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एक लड़की है इसे भी देखिए इसने भी अपना फेस कवर कर लिया है। आप नीचे देख सकते हैं सब यहाँ पे काम पे लग गए हैं और जो दीवार यहाँ पे नीचे गिरी है उसको यहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी सफाई कर रहे हैं मतलब जो घास है घास निकाल रहे हैं जिनका घास है वो अपना घास अपने घर लेके निकाल के लेके जाएंगे। बाकी सारी लेबर यहाँ पे लग चुकी है और अब मुझे भी करना है काम। तो फिर आपसे मिलते हैं बाद में। बाय बाय। तो ये है किंगोड़े का कांटा और गढ़वाली में बोलेंगे कांडू। तो जब ये चुभता है बहुत दर्द करता है और जो इसकी जड़ें हैं इससे बनती हैं दवाइयाँ और किस किस चीज़ में काम आती है बुखार खाज की ये बुखार वगैरह में भी काम आती है खांसी वगैरह में भी और किसी में खाज होती तो नहीं खुजली में काम नहीं आती पेचिस वगैरह तो शुगर में भी काम आती है ये जड़। तो ये बहुत काम की चीज़ है और फिलहाल ये यहाँ पे हमें मिला है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ आपको बता दूँ इसके बारे में। तो इसके ऊपर इसके बीज लगते हैं वो भी एक फल के तौर पे इसे खाया जाता है और पहले जब वो पकता है तो उसमें नमक वगैरह मिर्च वगैरह डाल के खाते हैं चाट टाइप का बना के तो बहुत टेस्टी होता है। लेकिन फिलहाल ये छोटा सा पौधा है तो उसमें अभी फल वगैरह सीजन चला गया है अभी नहीं है तो मेरे को मिला तो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप लोगों मेरे साथ जो गढ़वाली भाई बहन है उनके यहाँ पे भी अगर ये कांटा होता होगा तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों ने भी ये कांटा देखा है और इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं तो प्लीज़ शेयर करना। तो उसे फेंक देते हैं। Oh,
कमर पर। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे अक्कू को, अक्कू भी यहाँ पे आई है। इसे बहुत हमने बोला घर पे रहो, लेकिन अक्कू आज घर पे नहीं रही, तो अक्कू भी आ गई है। बहुत धूप हो रही है, बच्चे के लिए यहाँ पे ठीक नहीं है, आप लोग भी समझ सकते हैं। बट बच्चा बहुत ज़िद्दी है हमारा और ये मानती नहीं है। अक्कू बात करो, हाय करो, हाय करो अक्कू। आप क्यों आए हो? ये देखो आपको कैसे बोल रही है कि मैं आऊंगी घर जाऊंगी। आपको बात कर रही है, बोल है बुए होते हैं जिद्दी, आप समझ सकते हैं। बोल बुए आते हैं आपको, बोल बुए मैं नहीं जान। आपको गढ़वाली में मम्मा को क्या बोलते हैं? बुए। ये देखो हमारे यहाँ गढ़वाली में पहले लोग, अब तो नहीं बोलते हैं, तो मम्मी को बुए बोलते थे, तो आपको वही आपको बता रही। तो यहाँ पे काम चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लड़की है, तो यहाँ पे पत्थर वगैरह पहले तो ये लोग यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं। दीवार है यहाँ पे इसकी, इसको रिपेयर करना है। और गढ़वाली भाषा में से कहेंगे कि मतलब पगार बोलते हैं हमारे यहाँ, दीवार को पगार बोलते हैं। तो उसकी चिनाई होगी, तो जब उसकी जब ये पहले इसकी ये जो नींव है वो खोदनी पड़ती है, और उसको यहाँ से जो मलबा वगैरह निकल रहा है और ये पत्थर वगैरह आपने देखे होंगे बहुत सारे पत्थर है, तो ये सभी लोगों ने यहाँ पर मिल के जो भी है यहाँ पर पहले बाहर निकाले हैं, और अब इसमें चिनाई होगी और फिर दीवार मतलब लगाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे सब लोग काम करते हैं, सब लोग मिलजुल के मेहनत करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, तो हम लोग थोड़ा थक गए थे तो यहाँ पे बैठ गए थे थोड़ा सा। और ये यहाँ पे टाइमिंग भी है सुबह 8 बजे से और 2 बजे तक की टाइमिंग है, और बस इसी तरीके से यहाँ पे काम चलता है। तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मैंने, और मैं इसलिए आई हूँ आप लोगों के साथ मुझे शेयर भी करना था। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, कैसे यहाँ पे मेहनत करते हैं यही पहाड़।